ये सीरियल वाले न जाने क्यों कई बार लगता है भैया फेस्टिवल को तो शांति से आगे बढ़ने दो ना, मतलब शांति से त्योहार मनाने दो, लेकिन अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर लोगों को इंटरेस्ट का क्या होगा। तो बस इसीलिए संदीप पंड्या का जो स्टोर नहीं है, यानी कि पंड्या स्टोर में जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है, और जन्माष्टमी के दिन हो गया बवाल। किया किसने? रावी ने। त्योहार हो या शादी ब्याह हो, इसमें कोई ड्रामा ना हो तो भला वो बात कहाँ बनती है। हंसी खुशी के साथ पंड्या परिवार मिलकर जन्माष्टमी सेलिब्रेट कर रहा था, लेकिन ये देखो रावी को आकर यहाँ पर तमाशा तो करना ही था। वो मटकी लेकर आई और मटकी में न जाने किसकी राख थी, उसने मटकी को फोड़ दिया। इधर मटकी फूटा तो उधर धरा का गुस्सा भी फूटा। ये राख उन रिश्तों की है जिसे तूने अपने दिल और दिमाग से निकाल फेंका। वो हंडी में क्या था? देखो हंडी में वैसे तो दही होना चाहिए, अब ये किस चीज का रायता बना क्या ये भगवान जाने। ये अब आप सबको देखने मिलेगा कि ये हंडी में एक्चुअली जो भिंडी निकली है वो क्या थी, क्योंकि अच्छा राइम हुआ इसलिए मैंने बोला भिंडी है नहीं उसमें, तो वैसे दही हंडी होती है। राख थी, राख थी, वो नहीं बताऊंगी किसकी राख थी, और सबकी रिएक्शन माँ की आंख थी। तो पता नहीं अब क्या कर गया ये, क्या जला क्या ये, राख क्यों लाई है। अब धरा ने तो पूरी कोशिश की कि रावी और शिवा का रिश्ता ना टूटे, लेकिन उसकी कोशिश रंग नहीं लाई। एक ओर तमाशा चल रहा था तो दूसरी ओर शिवा भी चुपचाप से बैठकर सब देख रहा था, क्योंकि वो जानता है कि अब कोई फायदा नहीं है रावी को कुछ कहकर। अब इनका आमना सामना तो होगा जब मोहल्ले में दही हंडी का प्रोग्राम होगा, जी हाँ, जहाँ पर ये दोनों मिलकर मटकी फोड़ेंगे, और जीतेगा कौन ये तो भाई हमें भी नहीं पता। है मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ABP News आपको रखे आगे।